अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश बी। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम इस लेक्चर में कुछ जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। ग्रामेट्री पोर्शन में से हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। टेंसेस आपने तीन तरह के किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किया है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस किया था और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस किया। हम उनको तीनों टेंसेस को जो उनके इंडेफिनेट टेंस उनको रिवाइज करेंगे। इसके अलावा हम इन तीनों इंडेफिनेट टेंसेस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी रिवाइज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। काउंटेबल नाउंस ऐसे नाउंस होते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उनको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते। इनके डिफरेंस अगर हम बात करें तो जो काउंटेबल नाउन है उनमें दोनों तरह की फॉर्म्स पाई जाती हैं, यानी कि सिंगुलर फॉर्म भी यूज़ की जाती है और प्लूरल फॉर्म भी यूज होती है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। दे यूजली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउंस में हम डेफिनेट नंबर्स को यूज करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में हम डेफिनेट नंबर्स को यूज नहीं करते। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को बिफोर काउंटेबल नाउन को। तो जो वर्ड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं काउंटेबल नाउंस के जो पहले आते हैं, सेवरल, अ फ्यू एंड मैनी, जबकि अनकाउंटेबल नाउंस में जो वर्ड्स हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, सम, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, नो, लिटल, ऑल एंड मच। काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल ये है 30 शीप्स, ठीक है। शीप्स हैं कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। ये हमें एग्जैक्ट उन्होंने डेफिनेट नंबर बताया हुआ है कि 30 हैं, तो इजीली हम शीप्स को फिर इस तरह काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल देखें तो उसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, उनमें वाटर, मिल्क और शुगर। चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सबकी एग्जाम्पल्स हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स को यूज करने के लिए हम कुछ रूल्स हैं जिनके अनकाउंटेबल नाउन के और काउंटेबल नाउन्स के लिए। काउंटेबल नाउन्स में और अनकाउंटेबल नाउन्स में जो आर्टिकल दी है दोनों में यूज हो सकता है, ठीक है, जबकि आर्टिकल अ एंड एन जो है वो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स में यूज किया जा सकता है, वो भी सिंगुलर फॉर्म में। आर्टिकल अ और एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं किया जाता। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस प्लस एक्टिव पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की रिकॉग्निशन यानी कि इसकी पहचान क्या है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ की जाती है और सिंगुलर चीज़ के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का एडिशन किया जाता है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट समटाइम्स सेंटेंस में मौजूद होता भी है और समटाइम्स सेंटेंस में मौजूद नहीं भी होता। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डस लगाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद नॉट लगाया जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डस जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज की जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क जो है वो मस्ट आता है। ये की देखिए, डू या डस किसके साथ हम यूज करेंगे, ही, शी, इट या कोई भी नाम है, कोई नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डस यूज करेंगे, ठीक है। जबकि आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन की बात की जा रही है, प्लूरल नाउन है कोई या कोई प्लूरल चीज की बात की जा रही है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब वो जो है वो सब्जेक्ट है तो इसका जो प्रोनाउन है वो का क्या आ गया, क्योंकि प्लूरल चीज की बात की जा रही थी तो इस वजह से यहाँ पे हमने दे लगा दिया, ठीक है। खेलना मतलब प्ले, ठीक है, और फुटबॉल तो फुटबॉल आ गया, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कर रहे हैं तो इस वजह से जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट यूज होगी, तो दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि ऐसे ये इसका एडिशन क्यों नहीं किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है और ऐसे ये इसका एडिशन सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर चीज के साथ जो है वो किसी सिंगुलर नेम के साथ यूज किया जाता है।
नेगेटिव सेंटेंस है ये, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है, ये नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डू या डस यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके साथ नोट लगाते हैं। अब ये देखें, मैंने आपको बताया है यहाँ पे दे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डस जो है वो स्टार्ट में आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो डू है, ठीक है, वो स्टार्ट में आ गया, डू दे प्ले फुटबॉल, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो मस्ट लगाना है। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस में जो उसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस में? इज, एम या आर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। क्योंकि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को, तो फिर जो पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या आएगा? बाय यूज किया जाएगा, ठीक है। और बाय के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ये देखिए, साइड पे मैंने की बनाई हुई है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाता है, ठीक है। ही का हिम किया जाता है, शी का हर हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम किया जाता है, यू का यू ही रहता है, और आई का मी हो जाता है। ये देखिए, ही शी इट नेम या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, ठीक है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज किया जाता है, जबकि वी दे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया जाता है, या किसी भी प्लुरल नाउन की अगर बात की जाएगी तो भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही यूज होगा। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, प्ले जो है वो वर्ब है, और जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन, पास्ट इंडेफिनेट टेंस प्लस एक्टिव पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की रिकग्निशन यानी कि इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में अलिफ, छोटे ये, बड़ी ये वगैरह आता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सिंपल सेंटेंसेज यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ की जाती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेज है, इस वजह से नोट लगाया जाता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सेंटेंसेज जो थे उनमें सेकंड फॉर्म ऑफ यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज बनाते हैं उन सेंटेंसेज में, तो फिर नेगेटिव सेंटेंसेज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेज में देखिए, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस इस वजह से यहाँ पर नोट लगा दिया हमने, ठीक है। और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हुई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में जो डिड है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में जो है जो एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आता है, ठीक है। ये की देखिए, ही शी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन की अगर बात की जाएगी, या कोई प्लुरल बात की जाएगी, आई वी दे यू या किसी प्लुरल नाउन के बारे में बात की जाएगी, तो उनके साथ डिड ही यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने शेर देखा, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। मैंने शेर देखा, मैं का प्रोनाउन यानी कि ये सब्जेक्ट है, उसका प्रोनाउन क्या आएगा? आई, ठीक है, देखा। अब ये देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है, और इसमें आपको पता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। तो सी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सा लिख दिया, ठीक है। और क्या देखा? शेर देखा, तो शेर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। आई सॉ अ लाइन। नेगेटिव सेंटेंस, मैंने शेर नहीं देखा, ठीक है। ये नहीं का आगे इसमें तो यही क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
मैंने शेर नहीं देखा, आई, अब आपको पता है कि आई के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, डिड यूज होगा, ठीक है, तो आई के साथ डिड आ गया और नेगेटिव सेंटेंस है तो इस वजह से यहाँ पे आ गया नॉट आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेज इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे सा की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या है, सी, ठीक है। आई डिड नॉट सी अ लाइन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैंने शेर देखा, क्या मैंने शेर देखा, तो अब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जो डिड है वो स्टार्ट में आ गया, डिड आई सी अ लाइन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो मस्ट लगाना है। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वॉज या वर्ब यूज किया जाएगा। फिर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और उसके बाद पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या लगाया जाता है, बाय लगाया जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। ये की है, ये की आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ही शी नेम या किसी सिंगुलर नाउन की अगर बात की जाएगी या आई की बात की जाएगी तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वॉज यूज होगा, जबकि वी यू और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वर्ब यूज किया जाएगा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस की है, ये भी आपने अच्छे से याद करनी है, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ही को ही में चेंज कर देते हैं, शी को हर में कर देते हैं चेंज, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और आई का मी कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ लाइन, ये एक्टिव वॉइस है, अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अ लाइन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अ लाइन जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अ लाइन, उसके बाद सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है, ठीक है, तो अ लाइन के बाद हम क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब हमने वॉज लगा दी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। सॉ की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सीन, ठीक है, यहाँ पे हमने सीन लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, बाय, बाय लगा दिया हमने, और आई जो है वो सब्जेक्ट है, और उसको आई को हम किस में चेंज कर देते हैं, मी में चेंज कर देते हैं, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया मी। पैसिव वॉइस क्या है, अ लाइन वॉज सीन बाय मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्लस एक्टिव पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिकग्निशन यानी कि इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में गा है, गी है, गे है आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, विल और शैल यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि जो विल और शैल है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, और उसके बाद जो है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है, विल और शैल जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाते हैं। ये की देखिए, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ठीक है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन और यू सेकेंड पर्सन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा और फर्स्ट पर्सन आई वी जैसे के हैं उनके साथ शैल यूज होगा, ठीक है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन या किसी भी नाम या किसी सिंगुलर प्लूरल चीज़ के बारे में बात की जाएगी तो विल यूज होगा, ठीक है, जबकि आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शैल यूज होगा। ये एग्जाम्पल देखिए, हम अपने कमरे की सफाई करेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है, हम जो है वो सब्जेक्ट है और इसका प्रोनाउन क्या होगा, वी, ठीक है, वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शैल यूज होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे शैल लिख दिया। सफाई की इंग्लिश क्या होगी, क्लीन, आपको मैंने बताया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी, क्लीन, ठीक है। अपने, अपने की क्या होगी, आवर, ठीक है, और कमरे की क्या इंग्लिश होगी, रूम। सेंटेंस क्या है, वी शैल क्लीन आवर रूम। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, हम अपने कमरे की सफाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो सेंटेंस क्या है, वी शैल नॉट क्लीन आवर रूम।
क्या हम अपने कमरे की सफाई करेंगे क्या? ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि स्टार्ट में क्या है क्या लिखा हुआ, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाता है, तो जो शैल है वो क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, शैल वी, और उसके बाद हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, शैल वी क्लीन आवर रूम, और एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस करें तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, विल बी या शैल बी यूज किया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, उसके बाद बाय लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये की देखिए, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, बाकी ये ऊपर वाले जो है ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, विल बी यूज होगा, या किसी सिंगुलर प्लुरल नाउन के साथ किसी चीज के साथ भी विल बी ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, जबकि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शैल बी यूज होगा। ये की है, ये आपने याद रखनी है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ही के हिम में चेंज कर देते हैं, शी को हर में चेंज कर देते हैं, वी को अस में चेंज कर देते हैं, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और आई का मी कर दिया जाता है। ये एग्जाम्पल देखिए, वी शैल क्लीन आवर रूम, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आवर रूम जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। आवर रूम जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। आवर रूम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, यहाँ पे विल बी यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज होनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है, तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन्ड, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लीन्ड लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले के फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या हमने लगाना है, बाय लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो हम जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाय जो है वो मस्ट लगेगा। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो प्रोनाउन वी है, ये है सब्जेक्ट, जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आपको पता है कि वी को हम किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या है, आवर रूम विल बी क्लीन्ड बाय अस,